नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्रूम ऑटो कंपनी में। ब्रूम ऑटो कंपनी ऑनबोर्ड डायग्नोसिस टूल बनाती है, जिसका हम आज डेमो देखने वाले हैं। हमने डेमो के लिए ये हीरो की स्प्लेंडर बाइक चुनी है। हम आज बताने वाले कैसे प्रॉब्लम को पता लगाया जाता है इन BS6 बाइक में। वीडियो चालू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन सी गाड़ियाँ कवर होती है। इंडिया की सभी गाड़ियाँ इसमें कवर हो सकती है, जैसे कि यामा, होंडा, सुजुकी, TVS, रॉयल एनफील्ड, हीरो, बजाज, KTM। ये इंडिया में चलने वाली सभी टू व्हीलर कंपनी को कवर करता है। और हमारा प्रोडक्ट 3-in-1 है, इसमें सभी कार्स, मोपेड्स और बाइक हम इसमें स्कैन कर सकते हैं। गाड़ी को स्कैन करने के लिए हमें गाड़ी में लगे OBD पोर्ट को स्कैनर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम साइड पैनल खोल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्रूम ऑटो का 3-in-1 डायग्नोसिस टूल है। इसके एक एंड को वाइट कनेक्टर लगाए, वो सभी एक्सटेंशन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हीरो का एक्सटेंशन है, इसको हम OBD कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हर BS6 बाइक को एक OBD पोर्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्प्लेंडर का OBD पोर्ट है। इसके ऊपर के कैप को रिमूव करके रख दें। इसके बाद जो हमारा एक्सटेंशन कनेक्ट किया हुआ था OBD कनेक्टर के साथ, उस एक्सटेंशन को अब हम बाइक की OBD पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। यह अब कनेक्ट हो चुका है। इसका ये साइड हम कार को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये सभी मोपेड्स, टू व्हीलर्स और कार को चल सकता है। ये ब्लूटूथ के जरिए हम फोन को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे गाड़ी डायग्नोस होती है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, टूल पे एक लाल कलर की लाइट इंडिकेट हुई देख रही होगी। इसका मतलब है स्कैनर गाड़ी से कनेक्ट हो चुका है। उसी वक्त हमें एक ध्यान रखना है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी से स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा। मीटर में जो ग्रीन कलर की लाइट है वो न्यूट्रल लाइट है। दूसरी वाली जो ऑरेंज कलर की लाइट है उसे इंजन लाइट या माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प भी कहते हैं। वो तब जलती है जब गाड़ी में कोई दिक्कत हो। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो लाइट चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंजन लाइट इंडिकेट नहीं हो रही है। इसका मतलब है गाड़ी में अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब हम टॉर्क लाइट एप्लीकेशन की मदद से गाड़ी को डायग्नोस करके देखेंगे कि क्या फॉल्ट है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। OBD टूल को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें पहले ब्लूटूथ को पेयर करके लेना पड़ेगा, इसलिए हम ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद OBD करके एक आइकॉन दिखाई होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पिन पूछेगा, उधर 1, 2, 3, 4 करके एक पिन डालना है। देखिए अब हमारा डिवाइस पेयर हो चुका है। पेयर होने के बाद टॉर्क लाइट ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद कनेक्टेड इश्यू ओके लिख के आएगा। हम गाड़ी चालू करेंगे और देखेंगे लाइव डाटा। जैसे ही गाड़ी चालू होती है, RPM इंडिकेट होना शुरू होता है। एक्सेलेरेटर के अनुसार RPM इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सभी सिस्टम का स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्यूल सिस्टम कंप्लीटेड दिख रहा है, कंपोनेंट्स कंप्लीटेड दिख रहा है, सिस्टम का टाइप स्पार्क दिखा रहा है, इवेपोरेटिव सिस्टम कंप्लीटेड दिखा रहा है, O2 सेंसर कंप्लीट दिखा रहा है। ऐसे आपने चाहे तो डायल से शो कर रहा है कि बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज क्या है अभी। इसी तरह हम सब सेंसर्स का लाइव डाटा देख पाएंगे। उसके बाद सेटिंग में चले जाइए, फॉल्ट कोड्स, उसके बाद शो लॉक फॉल्ट कोड्स। लोडिंग हो रहा है, अभी ये शो कर रहा है
नो फॉल्ट कोड स्टोर इन इश्यू, यानी इश्यू में अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं है, जिसका मतलब है गाड़ी में अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसलिए नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है। अब हम खुद ही फॉल्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे हमारा ओबीडी टूल फॉल्ट कैसे शो करता है। इसलिए मैंने ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कपलर निकाल दिया है, तो देखते हैं कैसे गाड़ी डायग्नोस होती है। पहले तो इग्निशन की ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद गाड़ी चालू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इंजन लाइट भी दिख रही है, यानी गाड़ी में फॉल्ट है, इसलिए ये हमें पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है, इसलिए हमें ओबीडी टूल की जरूरत पड़ेगी। चलिए फोन के स्क्रीन पर चले आते हैं, टॉर्क लाइट ऐप को ओपन करते हैं, ऊपर इश्यू कनेक्टेड ओके लिख कर आ रहा है। सेटिंग में चले जाने के बाद फॉल्ट कोड पे क्लिक करेंगे, शो लॉक फॉल्ट कोड पे क्लिक करेंगे, लोडिंग हो रहा है। स्क्रीन पर एक फॉल्ट कोड दिखाई होगा, उस पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर एक फॉल्ट जनरेट हुआ है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई। अब मैकेनिक इस सेंसर की वायरिंग चेक कर सकते हैं, या वायरिंग ठीक है तो सेंसर चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह प्रॉब्लम डायग्नोस की जाती है। इन BS6 बाइक में मैकेनिक को पुरानी तरीके से प्रॉब्लम का पता नहीं चल सकता, इसलिए ओबीडी टूल की मदद से ही प्रॉब्लम जानी जा सकती है। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि अपग्रेड हुआ जाए। आपको दिखाने के लिए हमने गाड़ी में एक फॉल्ट क्रिएट किया था, अब उस फॉल्ट को हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इश्यू से फॉल्ट को इरेज किया जाता है और कैसे इंजन लाइट बंद होती है। तो चलिए देखते हैं। ऑयल टेम्परेचर सेंसर का जो कपलर निकला था उसे अब हम जोड़ देंगे। टॉर्क लाइट ऐप ओपन करने के बाद ऊपर देखिए इश्यू कनेक्टेड ओके लिख के आ रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली इश्यू से कनेक्ट हो गया है। सेटिंग में चले जाने के बाद फॉल्ट कोड्स पे क्लिक करना है, फिर क्लियर लॉक फॉल्ट कोड्स, इधर व्हीकल स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है फॉल्ट क्लियर करते वक्त। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे, इश्यू से फॉल्ट कोड क्लियर हो चुका है। फिर से सेटिंग में चले जाएंगे, फॉल्ट कोड्स, शो लॉक फॉल्ट कोड्स, जो इरेज किया हुआ है वो इरेज हो गया क्या नहीं हम अब देखेंगे। नो फॉल्ट कोड स्टोर इन इश्यू। अब हम गाड़ी चालू करके देखेंगे इंजन लाइट शो हो रही है क्या नहीं। देखिए इंजन लाइट भी अब शो नहीं हो रही, यानी गाड़ी में अभी कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसे ही आप ब्रूम ऑटो के 3-in-1 ओबीडी टूल से कार, मोपेड या टू व्हीलर स्कैन करके फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं। ब्रूम ऑटो के 3-in-1 डायग्नोसिस टूल को खरीदने के लिए और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें एंड विजिट आवर वेबसाइट।